किसी ने बहुत खूब कहा है, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ये सारे मोहब्बतों की माँ होती है। नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा करेंगे संतान सप्तमी पर। संतान सप्तमी, जिन माताओं को संतान नहीं है, पुत्र या पुत्री नहीं है, क्या वो भी व्रत कर सकती हैं? और जिनको है वो तो करती ही हैं। तो इसका सही निवारण यही कि हाँ, जिनको पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं है वो भी कर सकती हैं। देखिए, संतान सप्तमी किस लिए किया जाता है? तो संतान सप्तमी इसीलिए किया जाता है कि जो हमारे पुत्र या पुत्री हैं वो सौभाग्यशाली हों और अपने जीवन में कुछ अच्छा बड़ा करें, और जिनके नहीं है उनको अच्छा सा पुत्र की उत्पत्ति हो। इसको लोमस ऋषि ने सबसे पहले माता देवकी को, भगवान श्री कृष्ण की माता को बताया था, उन्होंने किया था। उसके बाद से ही सारे सनातनी लोग किया करते हैं। अब इसके कुछ नियम आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कुछ मुख्य नियम हैं। जैसे माताएं किया करती हैं इसको सप्तमी में किया करती हैं। कौन सी सप्तमी? तो जो भाद्रपद माह होता है, भादव जिसको बोलते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है उसे हम संतान सप्तमी कहते हैं। इस दिन सारी माताएं अपने पुत्र की उत्पत्ति के लिए या फिर पुत्र के सौभाग्य के लिए ये व्रत किया करती हैं। देखिए, इस दिन कुछ विशेष नियम है। इसमें से जैसे एक है कि माताएं पूड़ी बनाया करते, वही पूड़ी खा करके रहा करती हैं। सात पूड़ी जो भगवान को चढ़ाती हैं और सात पूड़ी जो स्वयं खाती हैं। तो जो स्वयं खाने वाली पूड़ी है उसमें कुछ मीठा डाला जाता है, थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, कुछ जगह चावल के पिसान की, चावल को एकदम पीस लेते हैं, उसके बाद उसमें कुछ मीठा डाल के उसको बनाया करते हैं, और कुछ जगह ऐसे सिंपल पूड़ी बना करके उसमें मीठा डाल के उसको खाती हैं। तो सात पूड़ी सामान्य, उसमें मीठा नहीं डालेंगे, उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं और सात पूड़ी स्वयं खाते हैं। दूसरी बात, जो चांदी का कड़ा होता है जिसे हम लोग भगवान को चढ़ाने के बाद पहना करती हैं माताएं, तो मान लीजिए आपके यहाँ पर चांदी का कड़ा हर साल बनवाना मुश्किल हो, क्योंकि हर इंसान के पास पैसा नहीं हो सकता, तो जो एक बार बनवा लिए हैं चांदी का कड़ा, उसी को हम दोबारा से उसको अच्छे से धुल के सफा करके उसका दूध के साथ अभिषेक करेंगे। देखिए, चाहे पुराना कड़ा हो या नया हो, उसको हम दूध के साथ अभिषेक करेंगे ही। दूसरी बात, अभिषेक करने के बाद उसको थोड़ा सा धूप दिखाते हैं, उसमें चंदन कुमकुम रोली जो कुछ भी है उसको लगाया करते हैं, उसके बाद भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि पहन लिया करते हैं इस प्रकार से। और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी का सब विधि विधान से पूजन ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ब्राह्मण ही करें। हालांकि ब्राह्मण ज़्यादा अच्छे से विधि विधान करवा देते हैं, और अपने से करें तो भाव से करें, मन से करें कि भगवान इसको आप ग्रहण करिए और हमारे संतान को इस भौतिक जगत में उन्नति प्रदान करें और मानसिक रूप से उसे संतुष्ट रखें, हमें भी और हमारे परिवार को भी अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इस प्रकार की कामना और भावना के साथ भगवान की पूजा की जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने धार्मिक मित्रों के पास शेयर करें। जय श्रीमन्नारायण।